नासिक में सोना कारोबारी के घर मिला खजाना 26 करोड़ कैश, 90 करोड़ की संपत्ति जब्त, 30 घंटे चली रे। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग की टीम ने एक सोना कारोबारी के कई ठिकानों पर छापामारी की है। इन छापों में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने यहां से 26 करोड़ रुपए के कैश और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। नासिक के इस सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित सुराना ज्वेलर्स और उसके कई ठिकानों पर रेड की। दो दिनों तक चली इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग के रडार पर थे कारोबारी। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। अचानक हुई छापेमारी से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी घबरा गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग की रडार पर है। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। मनमाड़ में आईटी की छापेमारी। नासिक की तरह मनमाड़ शहर में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने मारेगांव में एक व्यवसायी के घर और कार्यालय पर रेड की। पिछले कुछ महीनों से आयकर विभाग की टीम राज्य में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इन छापों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हो रहा है। नासिक में सर्राफा व्यापारियों के घर छापेमारी से हड़कंप मच गया है।